मॉर्निंग एवरीवन, मायसेल्फ नेहा यादव। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांटोलॉजी में निमैटोड में रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है निमैटोड में, ये जो निमैटोड है इसमें डायोशियर्स होता है और एम्फीगोनन्स होता है। ये क्या होता है, सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल विद इन अ स्पीसीज। तो एक ही स्पीसीज का मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, इसलिए हम इसे डायोशियर्स बोलते हैं। और जनरली मेल्स जो है वो कम नंबर में होते हैं फीमेल के कंपेयर में, और कभी कभी ये एब्सेंट भी होते हैं। तो अगर वो एब्सेंट होते हैं तो ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है इस रिप्रोडक्शन को हर्मोफ्रोडाइटिज्म, ये शो करता है कि हर्मोफ्रोडाइट है, और पार्थेनोजेनेसिस ये शो करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो ए है, ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जो बी है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन में जनरली मैंने आपको बताया कि निमैटोड कैसे होते हैं, डायोशियर्स होते हैं, है ना। ये मेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और जो मेजॉरिटी जो ना प्लांट पैरासिटिक निमैटोड है ना, इसमें क्या होता है कि ये ना जो बॉडी शेप है ना वो डिफरेंट पजल्स नहीं करती है। मतलब मेजॉरिटी जो प्लांट पैरासिटिक निमैटोड है ना, ये उनकी बॉडी में ना कोई डिफरेंशिएशन एकदम मतलब हम देखने डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, इसीलिए हम डिफरेंशिएट कर पाते कि मेल है या फीमेल है ऐसे ही देखकर। तो सिर्फ कुछ कुछ ही चीजें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वेदर इट इज मेल और फीमेल, ठीक है, वरना बॉडी शेप सेम रहती है। और जो दोनों ही सेक्स है वो कैसे होते हैं, वर्मी फॉर्म होते हैं। ये दोनों ही सेक्स जो है वो ना वर्मी फॉर्म होते हैं। और जो सेक्सुअल जो डायमॉर्फिज्म है इसमें, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ना, तो ये हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जेनेराज में जैसे मेलोडोगाइनी में इन सब में ना देखने के लिए मिलता है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी कंसिस्ट है। और ओवरी इसमें यहाँ पे आपको स्पर्म फीका भी देखने के लिए मिलेगा, स्पर्म फीका, और स्पर्म फीका इसमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको यूटेरस, जो यूटेरस होता है ना वो यहाँ पे देखेगा। और ये जो ये ओपनिंग हो रही है ना, जो ओपनिंग हो रही है वेंट्रल साइड में, तो यहाँ पे आपको वल्वा दिखेगा। ये जो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट आप दिख रहे हैं कट सा थोड़ा सा बेंट सा डिप्रेशन टाइप का जो ये है, यहाँ पे वल्वा, यहाँ पे वल्वा प्रेजेंट होता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेजरली टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो टेस्टिस है ये आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको ये बरसा दिखेगा, ठीक है। ये बरसा, एक यही बरसा आइडेंटिफाई करता है वेदर इट इज मेल और फीमेल, ठीक है। बरसा प्रेजेंट्स ओनली इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ कुछ स्पीसीज में बरसा क्लियरली दिखता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर इट इज मेल और फीमेल। बट कहीं कहीं बरसा आपको क्लियरली नहीं दिख पाएगा। और यहाँ पे आपको यूवर्नैक्युलम दिखेगा आपको, और ये है स्पिक्यूल्स, ये स्पिक्यूल्स है, ठीक है। और ये कॉलका है, तो कॉलका ये इसकी नेचुरल ओपनिंग किधर साइड है, ये वेंट्रल साइड इसकी नेचुरल ओपनिंग है, ठीक है। और जो फीमेल में मेल में क्या होता है कि एक ही कॉलका के थ्रू ही एक ही नेचुरल ओपनिंग है, और वो मेजरली कॉलका के थ्रू ही होती है, और फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल ओपनिंग होती है प्रेजेंट। नाउ जो मेजॉरिटी है ना प्लांट पैरासिटिक निमैटोड, ये डिफरेंशिएशन इसका जो डिफरेंस है एज फार एज इट्स बॉडी शेप, ठीक है, डू नॉट एग्जिबिट, एंड बोथ द सेक्स आर वर्मीफॉर्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अब देखने के लिए हमें मिलता है जेनेरा में, जैसे कि मेलोडोगाइनी हो गया, हेटेरोडेरा, ग्लोबोडेरा, और रोटिलैंकस, डायलैंकस, नैकोबस, इसमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा। और जो फीमेल है ना इस जेनेरा की, ये कैसी होती है, ये एनलार्ज्ड होती है, ठीक है, और डिफरेंट शेप की होती है। जब ये मेच्योरिटी में आती है ना तो डिफरेंट शेप की हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट शेप की।
डिफरेंट शेप ये कंसिस्ट करता है मेचोरिटी में आने के बाद। अब होमोफोटाइटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है ना वो फंक्शन करता है एज अ मेल और फीमेल, ठीक है, इंडिविजुअल है ना वो फंक्शन कर रहा है बोथ मेल और फीमेल के जैसा। और इसमें दो टाइप्स के होते हैं, सिंगोनिक होमोफोटाइटिज्म और इसमें होता है डायगोनिक होमोफोटाइटिज्म। तो इसमें सिंगोनिक में क्या होता है, गोनाड्स होते हैं वो फर्स्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, पहले वो प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स, प्रोड्यूस करता है वो स्पर्म्स और उसके बाद वो स्टोर करता है, ठीक है, स्पर्म वो प्रोड्यूस करेगा और उसको प्रोड्यूस करने के बाद वो स्टोर करेगा और उसके बाद स्टोर करने के बाद वो फर्टिलाइज करता है एग के साथ और बाद में वो प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइज करता है वो एग के साथ और प्रोड्यूस लेटर, ठीक है। इसमें मतलब सिंपल सी बात है इसमें कि स्पर्म पहले प्रोड्यूस होगा और वो स्टोर हो जाएगा और उसके बाद में एग प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और डायगोनिक होमोफोटाइट में क्या होता है, जो दोनों ही यानी कि जो दोनों वो स्पर्म है और ओवा, ठीक है, स्पर्म भी और ओवा ये दोनों के दोनों ही प्रोड्यूस होता है एक साथ। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, पहले एक प्रोड्यूस हो रहा था फिर वो स्टोर हो रहा था और फिर दूसरा प्रोड्यूस हो रहा था और फिर उसके बाद उसका फर्टिलाइज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों के दोनों ही एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में और सेम गोनाड में, ठीक है। इसका है हेलिकोटाइलेंकस स्पीसीज। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि मेल हमें नहीं देखने के लिए मिलता है या फिर लेस नंबर पे देखने के लिए मिलेगा और जो एग्स है ना वो प्रोड्यूस होता है कैसे, बगैर फर्टिलाइजेशन के लिए। जब कभी एग प्रोड्यूस होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है वहां पे मेल्स का जो मेल्स का ये है गैमेट्स है वो कंसिस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ फीमेल विदाउट फर्टिलाइजेशन से वो रिप्रोड्यूस कर रही है, उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और इसका एग्जाम्पल है मेलोडोग्राइनी और हेटेरोडेरा टैलेंकस, ठीक है। तो इसमें मेलोडोग्राइनी है, हेटेरोडेरा है, टैलेंकस है। इंटरसेक्सेस क्या होते हैं, ये फाउंड होते हैं कुछ जेनेरा में जैसे कि मेलोडोग्राइनी और डायलेंकस में, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल है ना वो शो करता है बेंडिंग टाइप का, जहाँ पे मेल भी और फीमेल कैरेक्टर भी मेल भी और फीमेल कैरेक्टर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यूजुअली क्या होता है जो फीमेल है ना वो शो करता है मेल कैरेक्टर और इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडोसिलोमिक, इसमें सूडोसिलोमिक फ्लूइड कंसिस्ट करता है वो, जो मेल फीमेल है वो शो करते हैं मेल कैरेक्टर्स। और नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये प्रेजेंट होता है किसमें, सूडोसिलोम में। अब हम आगे देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका ना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, किसका प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और जो निमेटोड है वो क्या होता है कि जब बहुत सारे मतलब जो अगर जैसे अगर नंबर है जो है ना टेस्टिस की अगर वो एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनार्के, ठीक है, अगर एक टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर दो प्रेजेंट है तो उसको डाइकार्की बोलेंगे हम उसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाइकार्की में क्या होता है, फॉर्म करता है टेस्टिस को और ये आउटस्ट्रेच करता है, ठीक है, फॉर्म करेगा टेस्टिस को और आउटस्ट्रेच करेगा और आउटस्ट्रेच करेगा और इसमें क्या होगा कि ये आउटस्ट्रेच करने के बाद ये डायरेक्टली अपोज मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट रहेगा इच अदर, ठीक है। लेकिन मेलोडोगाइनी में हमें ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये पैरेलल होता है, वहां पे मेलोडोगाइनी में ये क्या होता है, अगर जैसे दो टेस्टिस प्रेजेंट है तो ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन मेलोडोगाइनी में क्या होता है, ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। और जो मेल में टेस्टिस होती है वो सेमिनल वेसल्स और वास डिफरेंस कंसिस्ट करती है। और हमें मेल्स में क्या होगा कि जो ये जो टेस्टिस है ना ये मूव करेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड में विद द हेल्प ऑफ
इसके हेल्प से ये एक ना स्पेशलाइज मसल्स होते हैं जो अटैच होता है हेड रीजन में, उससे ये मूव करेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और इसमें जो आपको मैंने बताया था स्पिक्यूल्स होता है ना, जो वो नैरो होता है, ये जो मैंने आपको बताया जो स्पिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये जो स्पिक्यूल्स है ना ये नैरो है, कहाँ पे है, टिप के साइड में, टिप के साइड में ये नैरो है। और वही जो क्यूटिकल है ना, तो वो जो ये क्यूटिकलराइज जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो जो स्पिक्यूल्स है उसके नीचे होता है, उसको हम क्यूबरनैक्युलम बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ आगे, तो ये आप ये देख सकते हो, ये है टेस्टिस, ठीक है, यहाँ पे ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ये इजीली आप देख रहे हो, ये सेमिनल वेसल्स, ठीक है, ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, और ये वास डिफरेंस की आपको देखने के लिए मिलेगा वास्कल्स। तो इसमें क्या होता है, जब ये मेल जो निमेटोड है ना ये पेयर करता है कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स के साथ, तो ये स्पिक्यूल्स क्या करता है, ये ना आउटवर्ड की तरफ ये ना पाउच टाइप का फॉर्म करता है, और ये आउटवर्ड ग्रोथ होता है, किधर साइड पे होता है, ये होता है डॉर्सल साइड में, जो डॉर्सल वॉल है ना जो रेक्टम का, उधर साइड पे ये ग्रो होता है। ये चीज याद रखिएगा कि वेंट्रल साइड में ये ग्रो नहीं करता है, ये डॉर्सल वॉल के साइड में ही ग्रो करता है। और जो स्पिक्यूल्स है ना वो कैसा होता है, ट्यूबिकुलर स्ट्रक्चर का होता है जो कवर्ड करता है क्लेरोटाइज क्यूटिकल्स को, जो क्यूटिकल्स मैंने आपको बताया था एक्सोस्केलेटन के साथ जो वर्क करता है, तो उसमें उसको ये कवर करता है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ओपन करता है वॉल्वा को, ठीक है, स्पिक्यूल्स का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, ओपन करता है वॉल्वा को और ट्रांसफर करता है, वहां से ये स्पर्म को ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग ओप्यूलेशन। ओप्यूलेशन के समय में वॉल्वा से ये जो स्पिक्यूल्स है, स्पिक्यूल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्पिक्यूल्स की वजह से क्या होता है, वॉल्वा ओपन होता है और वहां से स्पर्म ट्रांसफर होता है पॉपुलेशन के ड्यूरिंग पॉपुलेशन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट वन है जो स्पिक्यूल्स है ना वो तीन पार्टों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है हेड, जिसको हम बोलते हैं कैपिटुलम, और फिर उसके बाद आता है शाफ्ट आकार, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस और कैलोमस, और थर्ड वन आता है लैमिना, ठीक है, ब्लेड या लैमिना दैट टैपर टू द टिप, मतलब टिप के उसमें वो लैमिना कंसिस्ट करता है, टैपरिंग फॉर्म में कंसिस्ट करता है। ओवरनैक्युलम, क्यूबेनैक्युलम क्या होता है, ये स्क्लेरोटराइज प्लेट होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो कहाँ पे लोकेट होता है, जो डॉर्सल साइड है, जो ऊपर का जो ना और वो ऑन द सरफेस, जो सरफेस का साइड है ना वहां पे, कहाँ पे सरफेस का साइड में, स्पिक्यूल्स पे, ठीक है, वहां पे ये कंसिस्ट करता है। और इसका एग्जांपल क्या है, टैलेंकोरिकस और जेटिलैंकस, टैलेंकोरिकस और जेटिलैंकस इसका एग्जांपल है। अब देखेंगे हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को, तो जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ना इसमें क्या होता है कि जो ये बहुत ही ज्यादा ना कॉमन है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये किसमें मिलेगा आपको देखने के लिए, जो फीमेल है ना, फीमेल में मेलेडोगाइनी, जो फीमेल में मेलेडोगाइनी है ना स्पीसीज, जो जीनस मेलेडोगाइनी है उसमें आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। और ये कैसा होता है, ये स्वेलन होता है, ठीक है, और इसमें मेल कैसा होता है, मेल ना स्लेंडर वॉर्म लाइक होता है स्ट्रक्चर, मेल बहुत ही ऐसे पतला सा मेल होता है, थिन होता है मेल, लेकिन जो फीमेल होती है ना वो स्वेलन टाइप की होती है मेलेडोगाइनी में, तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉमन होता है, ठीक है। अब जो फीमेल, अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो जो फीमेल है, तो जो फीमेल है, तो फीमेल में क्या होता है कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम मोनो डेल्फिक बोलते हैं, अगर सिंगल ओवरी प्रेजेंट है तो मोनो डेल्फिक बोलेंगे हम उसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, कि इसमें क्या होता है कि जो निमेटोड है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जेनेरा में
जो सिंगल ओवरी है ये कंसिस्ट करता है, जैसे कि रेटिलाइनस हो गया, रेटिलाइनस हो गया, इससे क्या होता है इनमें सिंगल ओवरी होती है, ठीक है, सिंगल ओवरी होती है इसमें। और जो यूटेरस है ना, वो यूटेरस जो क्या करता है कि ओपन होता है आउटसाइड में, वेंट्रल लोकेटेड वल्वा के पास ओपनिंग होती है इसकी, और उसको हम बोलते हैं, उस ट्यूब को हम वजाइना बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर एंटीरियर वल्वा से है तो वो मोनो डेल्फिक्स है और प्रोडेल्फिक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल ओवरी प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर में अगर दो ओवरी प्रेजेंट है उसको डायडेल्फिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उसे डायडेल्फिक, अगर पोस्टीरियर में, ठीक है, ऑपिस्ट्रोडेल्फिक, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में अगर प्रेजेंट है। अब ये देखिए, ये मोनो प्रोडेल्फिक, मैंने आपको बताया ना सिंगल ओवरी अगर प्रेजेंट है, ये डायडेल्फिक अगर दो ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये डायडेल्फिक यानी कि प्रोडेल्फिक और ओवरी से भी प्रेजेंटेड ओवरी और अलग अलग उसमें 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 अलग अलग पोजिशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये है ना, जो फॉर्मेशन होता है किस चीज का, जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है ना, तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ओवरीज होते हैं, आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ ओवरीज होते हैं, मे बी वन और टू, है ना, जो ओवरी की जो नंबर है ना वो वैरी करेगा, वन टू इस टाइप से वैरी करेगा, ठीक है। और जब कभी एक ओवरी कंसिस्ट ओवरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोडेल्फिक, आपको मैंने बताया था। अब जो मोनोडेल्फिक कंडीशन होते हैं ना, इसमें क्या होता है, ओवरी हमेशा क्या होती है, एंटीरियर डायरेक्शन में होती है, जो ओवरी होती है वो हमेशा एंटीरियर डायरेक्शन में होती है, इसमें मोनोडेल्फिक में, ये मोनोडेल्फिक है, इसमें ओवरी हमेशा एंटीरियर डायरेक्शन में होती है। और प्रोडेल्फिक में क्या होती है, इसमें जो डायडेल्फिक ओवरी है ना, जहाँ पे क्या है आपको दोनों ओवरी देखने के लिए मिलेगी, है ना, बोथ ओवरी, तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी है ना वो एंटीरियर में होती है और डायरेक्टेड, और उसके बाद फिर वल्वा में होती है टर्मिनल में, ठीक है, और टर्मिनल पोजिशन में होती है, जिसको हम डायडेल्फिक प्रो डायडेल्फिक प्रोडेल्फिक ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये किसमें पाया जाता है, इस टाइप का किसमें पाया जाता है, ये आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा मेलोडोगाइनी में, तो मेलोडोगाइनी है ना जेनेरा, उसमें आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा। इवन दो मेलोडोगाइनी के साथ साथ आपको ये जो हेटरोडेरा है ना, हेटरोडेरा हो गया और ग्लोबोडेरा हो गया, वहां पे भी आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ निमेटोड्स में ना दो ओवरी होती है, वो कैसी होती है, जो दो ओवरी होती है ना वो अपोजिट होती है एक दूसरे से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो दो ओवरी है ये एक दूसरे से ना अपोजिट है ना, यहाँ पे एक, ये एक दूसरे से अपोजिट में है। तो जब ये अपोजिट में है ये दोनों ओवरी एक दूसरे से, एक एंटीरियर साइड डायरेक्शन में है, एक पोस्टीरियर साइड डायरेक्शन में, आपको दिखती होगी नीचे साइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये किसमें पाया जाता है ये चीज, ये टैलेंकोरिकल्स में आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, होप्लोलैमस हो गया, हेलिकोटैलेंकस हो गया, इसमें आपको ये इस तरीके से ओवरी का फॉर्मेशन देखने के लिए आपको मिलेगा। अब जो वल्वा ओपनिंग होता है ना, तो वो कैसे होता है, जो वल्वा ओपनिंग है ये यहाँ पे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में वल्वा ओपनिंग के बारे में भी बताती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया एंटीरियर के साइड में होगी और पोस्टीरियर के साइड में होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायडेल्फिक एम्फीडेल्फिक बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर और इसमें मेलोडोगाइनी हेड और हेटरोडेरा है, जहाँ पे डायरेक्टेड करेंगे दोनों ही टूवर्ड एंटीरियर साइड में एंड में, ठीक है, बॉडी के, उसमें उसको हम क्या करेंगे, डायडेल्फिक प्रोडेल्फिक बोलेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो कंसिस्ट क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है, वो कंसिस्ट करता है ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना एंड वल्वा, ये जो पांच चीजें ही कंसिस्ट करता है।
और जो एग होता है ना वो कहाँ पे होता है, वो आउटर प्रोटीन लेयर पे होता है, ठीक है, आउटर प्रोटीन लेयर पे, काइटिनस जो लेयर है वहां पे, और ये एक ना लिपिड मेम और एक लिपिड मेम्ब्रेन में भी, बट लाइन और लिपिड मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। इसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में बताया था, जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, रेक्टल ग्लैंड से होता है, रेक्टल ग्लैंड होता है ना वहां से सीक्रेट होता है, इन विच एग्स आर डिपॉजिट, जहाँ पे एग ना क्या होते हैं डिपॉजिट होते हैं। और ये एग है ना कि अगर आउटसाइड बॉडी के है, ठीक है, अगर ये आउटसाइड बॉडी ले कर रहा है एग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोटॉकी, एक्सोटॉकी बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर वही एग डिपॉजिट होता है बॉडी में ही, ठीक है, विद द बॉडी ऑफ फीमेल में ही डिपॉजिट होता है तो एंडोटॉकी बोलेंगे, अगर आउटसाइड हो रहा है तो एक्सोटॉकी और इनसाइड हो रहा है तो एंडोटॉकी। अब यहाँ पे आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा, ये है जर्मिनल जोन ऑफ ओवरी, ठीक है, यहाँ पे होती है जर्मिनल जोन है ये ओवरी का, और ये है ग्रोथ जोन है, यहाँ पे ग्रोथ होती है ओवरी की, यहाँ पे वो उसका जर्मिनल हो रहा है और यहाँ पे आते आते यहाँ से उसकी ग्रोथ जोन ये चालू हो जाती है। अब ये है स्पर्म थीका, ठीक है, स्पर्म थीका ये, और ये क्रस्टा फॉर्मेरिया, क्रस्टा फॉर्मेरिया, ये है यूट्रस, ये है ना, ये यूट्रस है, यहाँ से ये कंसिस्ट होता है ये वजाइना, और ये वॉल्वा है, ठीक है, ओपनिंग तो वॉल्वा है, यहाँ से नेचुरल ओपनिंग है, और ये जो इतना ये जो ये नीचे का जो पार्ट है ना ये सारा, ये कहाँ पे, ये वेंट्रल साइड में, ठीक है, ये पार्ट है वॉल्वा ओपनिंग का, ये कहाँ पे है, ये वेंट्रल साइड में है, और इसमें जो वॉल्वा ओपनिंग है ना वो ट्रांसिस्ट करता है, ये कवर्ड नहीं होता फ्लैप से, ठीक है, ये कवर नहीं होता किसी भी चीज से, और यहाँ पे ना जो ये वजाइनल जो ट्यूब है ना, तो होप्लोलैमस में ये क्या प्रोवाइड करता है, एक क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है होप्लोलैमस में, क्या चीज, जो वजाइनल फॉर्म है ना ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है होप्लोलैमस में, जिसको हम बोलते हैं एपिक गम बोलते हैं इसमें। और ये ओवरी में ना क्या होता है कि प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड है, ये कैसा होता है, ऑलवेज ये ना स्ट्रेट रहता है, ठीक है, और ये कर्व नहीं होता ओवरी में। ओवरी क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड में ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ओवरी हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है, कर्व नहीं होती है। ये चीज याद रखना कि जो ओवरी होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, कर्व ये जो ओवरी है कर्व नहीं होती है, और ऐसी ओवरी को हम क्या करते हैं, आउटस्ट्रेच करते हैं ओवरी को, और ऐसा किस किस में पाया जाता है, टैलेंकोरिकस, रेडोफोलस और हिर्स मिला में ये पाया जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें, कि इसमें जो ओवरी है ना, अगर सिंगल सेल ओवरी पोस्टीरियर डायरेक्टेड है तो मोनोडायलिथिक है, ये तो आपको मैंने बताया था, लेकिन अगर ओवरी मतलब जो ये आगे जो ओवरी है ना ये होलोजेनिक भी होती है। होलोजेनिक में क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है उस साइड जो उसके जो पूरी इसकी जो लेंथ वगैरह है ना ये कंसिस्ट करता है, ये डिस्टल एंड तक ये फॉर्म करता है, डिस्टल एंड है ना वहां तक ये कंसिस्ट करता है, जैसे कि ज़ेफिनिमा वगैरह में आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वन हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो इसका निमेटोड का नर्वस सिस्टम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट पैरासिटिक निमेटोड में, जो कि वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड में जो नर्वस सिस्टम है ना ये वेल डेवलप नहीं होता है, और वेल डेवलप ना होने की वजह से भी लेकिन ये ना एक प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम इसमें आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है, जो कि रिस्पॉन्स करता है डिफरेंट डिफरेंट जो स्टिमुलाई है ना उस पर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब हम नर्वस सिस्टम क्या होता है,
इसमें निमाटोड में नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है, पर्टिकुलरली टैलेंटिडा जो कि बहुत ही स्मॉल साइज में होता है, जो टैलेंटिडा है ना, जो जेनेरा निमाटोड का, ये बहुत छोटा है। तो इसमें इस केस में हम जैसे कि बता सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की इतनी स्टडी नहीं हो पाई है, और क्योंकि ये ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाया इस वजह से। अब इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, मैंने आपको बताया था उसमें नर्व रिंग होती है, तो जो नर्व रिंग है वो एसोसिएट होती है गैंग्लियन से और वेंट्रल नर्व से, और ये नर्व रिंग कैसी होती है, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो टैलेंकिडा है, ये क्या होता है, यहाँ पे इसमें ना मिडल पार्ट में इसोफेगम होता है, टैलेंकिडा के मिडल पार्ट में इसोफेगम हमें देखने के लिए मिलता है। अब वहीं पे जो डोरीलैमिडा है, तो जो डोरीलैमिडा है ना, तो डोरीलैमिडा में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है जो आउटर, जो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, नैरो एंटीरियर पार्ट, जो इसोफेगस का ना नैरो एंटीरियर जो पार्ट होता है इसोफेगस का, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वेंट्रल नर्व की एक चेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल नर्व की एक चेन होती है गैंग्लिया, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और पहले क्या होता है, ये कैसा होता है, ये जो फर्स्ट पहला और जो लार्जेस्ट गैंग्लिया है उसको हम रेट्रो बोलते हैं, रेट्रो वेसिकुलर गैंग्लिया बोलते हैं इसे हम, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना, मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता रही थी, तो जो नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होता है कि इसमें ना दो टाइप के होते हैं बेसिकली, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया थोड़ा सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये लोकेटेड होता है मेनली, ये इंक्लूड करता है क्यूटिकल को, ठीक है। जो क्यूटिकल होता है ना उसको ये मेनली, ये जो क्यूटिकल होता है उसको उसमें लोकेटेड होता है, और क्यूटिकल में तो होता है, और साथ ही साथ इसमें एक ना जो पार्ट है ना जो नर्वस सिस्टम का, ये इस तरीके से ना बहुत अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड होता है, वो जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का एक दूसरे से बहुत वेल कनेक्टेड होता है। और कहाँ पे नर्व जो रिंग है ना, मैंने आपको बताया था, तो इसोफेगस के पास में जो नर्व रिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, उस रीजन पे ये वेल कनेक्टेड होता है। और ये क्या है, ये कंसिडर किया जाता है एक ना इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या कंसिडर किया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट नर्वस सिस्टम का, तो हम जिसको हम ना ब्रेन भी कह सकते हैं, निमेटोड का हम ब्रेन भी कह सकते हैं। और जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड करता है। सबसे पहले वो इंक्लूड करता है सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि हम देखेंगे अभी आगे देखेंगे कि सेंसरी ऑर्गन इंक्लूड करता है, जिसमें सिफेलिक, पैपेलिया, एम्फिड, सिफेलिट्स और हेमिजोनिक्स और डायराइट्स, प्लाज्मिड्स, ये इस टाइप के ही कंसिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो एम्फिड्स है ना, ये क्या होता है, ये एक ना पेयर होते हैं, एम्फिड ना एक पेयर होते हैं, जो एम्फिड के मतलब जो एम्फिड का पेयर है ना वो कहाँ होता है, वो लोकेट कहाँ करता है, लेटरल साइड में, जो एम्फिड का पेयर है वो आपको लेटरल साइड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो एम्फिड है ये ओपनिंग करता है, किसकी ओपनिंग करता है, फोर लाइक और लेबियल पोजिशन, ठीक है, इसमें ये क्या करता है, ये ओपनिंग करता है। और एम्फिड इस तरीके से कनेक्टेड है नर्व रिंग के साथ, एम्फिड कनेक्टेड है इसके साथ, नर्व रिंग है ना उसके साथ कनेक्टेड है, और हेंस दे आर कॉल्ड सेंसरी इन नेचर, ठीक है। ये लैटरल पेयर सेंसरी ऑर्गन है, इसको हम कीमोरिसेप्टर भी बोलते हैं। और जो एम्फिड्स होता है ये लार्ज होता है, काइंड में मेल में होता है, फीमेल्स में ये छोटा होता है, एज कम्पेयर टू फीमेल्स में ये छोटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम देखेंगे, जो
प्लाज्मिड सेल। तो प्लाज्मिड में क्या होता है, इसमें जो मेल है ये पेयर्ड होते हैं लेटरल सेल्स में। और प्लाज्मिड क्या होता है कि ये भी एक सेंसरी ऑर्गन ही है जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये होता है पोस्टीरियर हाफ में निमेटोड के, और ये पेयर्ड होता है लेटरल साइड में निमेटोड के, और ये प्रेजेंट होता है मिडल ऑफ द लेटरल फील्ड में। इसकी ना जो ओपन, ये ना एक्चुअली ये ओपन होता है ना आउटसाइड में, जो निमेटोड है ना उसके नहीं आउटसाइड में ये ओपन होता है। और ओपन, अब ओपन हो रहा आउटसाइड में तो कैसे होगा ओपन, एक ना छोटा सा माइन्यूट पोर होता है, तो माइन्यूट पोर से ना ये ओपन होता है। और ये एब्सेंट होता है, इसका प्रेजेंस और एब्सेंस मतलब ये जो प्लाज्मिड है ना ये वैरी करता है, ठीक है। और ये आपको वॉल्वा से ही पता चलता है इसका। और जनरली इसकी जो साइज है ना प्लाज्मिड की, वो कैसी होती है, वो बिगर होती है, ठीक है, बड़ी सी होती है साइज। और इसका जो मेन फंक्शन है ना, जो ये प्लाज्मिड है, इसका प्लाज्मिड का मेन फंक्शन क्या है, कीमो रिसेप्शन है इसका, कीमो रिसेप्शन इसका मेन फंक्शन है, और थर्मो रिसेप्शन इसका मेन फंक्शन है, मैकेनो रिसेप्शन इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। और प्लाज्मिड पेयर्ड होती, पेयर है इसका लेटरल सेंस ऑर्गन के साथ, यूजुअली वन और ईच साइड ऑफ टेल, ठीक है। अब डायराइट्स, डायराइट्स में क्या होता है कि ना एक पेयर्ड है पैपेलाई का जो प्रेजेंट है ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस में ये प्रेजेंट है मिड रीजन में बॉडी के अपोजिट टू एक्सपिरेटरी पोर, एक्सपिरेटरी जो पोर का ना वॉल्वा का उसके अपोजिट में ये आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि स्मॉल प्रोट्यूबर्स है इसमें, ठीक है, ये पेयर कंसिस्ट करता है कि पेयर ऑफ स्मॉल प्रोट्यूबर्स है, जो कि एक क्या होता है लेटरल साइड में होता है मिडल ऑफ द लेटरल फील्ड में, और दूसरा जो है ना वो रीजन ऑफ ईसोफेगस में होता है, जो ईसोफेगस जो रीजन है ना एक्सपिरेटरी पोर का वहां पे होता है। और ये ना क्या होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ओपन नहीं होता है आउटसाइड में, ये बाहर के साइड में ये ओपन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सर्विकल पैपलिया का फंक्शन है, मैकेनो रिसेप्टर्स का इसका फंक्शन है। अब हेमिजॉइड्स और हेमिजोनिक, ये क्या है, ये हाईली रिफ्रैक्टिव है, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है जो एक फॉर्म करता है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल को फॉर्म करता है लेकिन वेंट्रल साइड में बॉडी के, ठीक है, वेंट्रल साइड में फॉर्म करेगा, और एंडिंग इसकी कहाँ आती है, लेटरल फील्ड में होती है इसकी एंडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट बने यहाँ पे, ये डायग्राम है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये ना ये नर्वस सिस्टम है एंटीरियर रीजन, और जो ये है ना ये है पोस्टीरियर रीजन, आपको इजीली देखने को मिल रहा है ये पोस्टीरियर रीजन है, और इससे जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है, इसमें जो एम्फिड नर्व है ये, ठीक है, एम्फिड नर्व है, और ये एम्फिडाइल कैग्यूनाई है ये, ठीक है, ये है रिंग, ये जो है ना ये रिंग है, नर्व रिंग है, ये नर्वस सिस्टम है, ये पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम है और ये पोस्टीरियर रीजन है। अब जो एम्फिड नर्व है ना, फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो ये है ये वेंट्रल कैंक्यूलाइन है, और सर्विकल पैपेलाइन नर्व, जो सर्विकल पैपेलाइन नर्व है ना ये है वो, मैंने अभी आपको बताया ना ये जो सर्विकल पैपेलाइन नर्व है ये ओपन नहीं होता है, कहाँ से नहीं होता है, सर्विकल पैपेलाइन नर्व बोलते हैं जो भी ओपन नहीं होता है, और इसका काम क्या होता है, मैकेनो रिसेप्टर्स का काम होता है इसका। और ये जो एप आपको दिख रहा है ये कैसा है, ये लेटरल है, ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है, लेटरल नर्व है, और यहाँ पे ये है डॉर्सल नर्व। अब इसको डॉर्सल नर्व क्यों कहा गया है, डॉर्सल नर्व इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ना डॉर्सल साइड में जो
निमेटोड का जो डॉर्सल साइड है ना, ये उस साइड में ये नर्व, इसलिए इसको डॉर्सल नर्व कहा गया है, ऊपर की साइड में ये, और ये है रेट्रोवेस्कुलर गैंग्यूलाइन, ठीक है, ये रेट्रोवेस्कुलर गैंग्यूलाइन है, नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां से ये जो है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये लेटरो वेंट्रल नर्व है, इसी से जो कनेक्टेड है आगे के साइड, लेटरल नर्व, लेटरो जो वेंट्रल नर्व है, ठीक है। अब ये है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है वेंट्रल नर्व, वेंट्रल नर्व है, ये लेटरो वेंट्रल नर्व है और ये वेंट्रल नर्व है। अब ये जो यहाँ पे जो कंसिस्ट होता है, ये डॉर्सल गैंगुलियन है, डॉर्सल गैंगुलियन, और ये है एम्फिड, ठीक है, ये है एम्फाइड। अब हम पोस्टीरियर पार्ट की तरफ देखेंगे, पोस्टीरियर पार्ट पे हम देखेंगे ये लेटरल नर्व है, पोस्टीरियर पार्ट में लेटरल नर्व है, और ये है वेंट्रल, ये ना वेंट्रल नर्व है, ये लेटरल नर्व क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड में है, ठीक है, जो वेंट्रल नर्व है ना उसके लेफ्ट और राइट साइड में, और ये है वेंट्रल नर्व। अब इसके बाद जो डॉर्सल नर्व, अब आपको ये जो है ना, ये जो नर्व है ये किधर साइड में, डॉर्सल साइड में, अब ये थी वेंट्रल साइड में, ये वाली नर्व इधर साइड में, वेंट्रल साइड में ओपनिंग जहाँ पे हो रही है, इधर साइड क्या है, वेंट्रल साइड है, और ये वाला साइड कौन सा, ये डॉर्सल साइड है, तो ये वाली जो नर्व है ना ये डॉर्सल साइड में है ये, ठीक है, और जो ये क्या है, ये पेरिनल गैलेनिया है, पेरल गैंग्लियन है ये, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, ये वाला रीजन है जो कि इंटेस्टाइन है, और आपको यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको रेक्टल कमीशंस देखने को मिलेगा, रेक्टल कमीशंस देखने के लिए मिलेगा आपको, और इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, ये डॉर्सल रेक्टल, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, ये कौन सा है, ये डॉर्सो रेक्टल पार्ट है, और इसमें ये जो टी वाला पार्ट है ना, ये वेंट्रोलेटरल है, वेंट्रोलेटरल कनेक्टिव है ये, ठीक है, वेंट्रल साइड में है, वेंट्रोलेटरल कनेक्टिव, और जो यहाँ पे है ये रेक्टम है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टम है, और ये ल्यूम्बर गैंगुलियन है ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है, ये कडाल नर्व है, और ये है प्लाज्मिड, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये जो कॉर्डियल नर्व बताया ना मैंने आपको, ये वाला जो कॉर्डियल नर्व है ये वाला, तो ये जो कॉर्डियल नर्व है ना, ये क्या, ये ना प्रेजेंट होता है कहाँ पे, टेल में, ठीक है, टेल के पास ये प्रेजेंट होता है, और ये मतलब ये ट्रांसमिट जो मैसेजेस वगैरह होते हैं ना, टेल से नर्व रिंग तक, टेल से नर्व के रिंग तक, ठीक है, तो ये काम करती है ये कॉर्डल नर्व है ना, ये काम करती है, ये वर्क करती है कि ये आपका मैसेजेस टेल से लेकर नर्व रिंग तक पहुंचाने का ये काम करती है, और जो ये प्लाज्मिड्स है, मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मिड क्या सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है ना, प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है, वो सेंसरी ऑर्गन होता है, और जो ये है ना, जो प्लाज्मिड है ये क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन होता है, और किस किस चीज के लिए हेल्प करता है ये, इसका मेन फंक्शन क्या है प्लाज्मिड का, कि ये ना कीमो रिसेप्शन और थर्मो रिसेप्शन हो गया,
मैकेनो रिसेप्शन हो गया, इसके ये इसके मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। और इसमें जो ये वाले मेन फंक्शंस हो गए, अब साथ ही साथ मैं आपको सिफैलिड्स, जो मैंने आपको बताया था ना सिफैलिड्स, तो जो सिफैलिड्स है वो क्या होता है, वो कंसिस्ट करता है वो सिफैलिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे एक पेयर ऑफ सिफैलिड्स मिलता है आपको, एंटीरियर साइड में मिलता है लेकिन ये, ठीक है, और एक पोस्टीरियर साइड में भी आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा, पोस्टीरियर साइड जो है ना वहां पे भी आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो मैंने आपको बताया था फिमोजोनिक ये कैसा है, स्मॉल नर्व है। हेमिजोनिक क्या है, स्मॉल एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा नर्व है। सिफैलिड्स क्या है, ये हाईली रिफ्रैक्टिव ब्रांड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाईली रिफ्रैक्टिव एक ब्रांड के समान बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जो क्यूटिकल है ना डॉर्सली ऊपर के साइड में ये प्रेजेंट होता है। कॉडेलिट्स इसमें क्या होता है, ये स्मॉल, ये भी स्मॉल नर्व है और ये जो कॉडियल रीजन है ना स्लाइटली पोस्टीरियर टू एनस के रीजन में ये आपको प्रेजेंट दिखेगा। नेक्स्ट वन है प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, जिसके हमें तो जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें 6 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल में आपको इजीली 6 डिफरेंट स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ये जो 6 स्टेजेस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एग, तो पहला होता है वो एग होता है, दूसरा होता है फर्स्ट स्टेज लार्वा और जुवेनाइल J1 जिसे हम बोलते हैं, वो सेकेंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज जो लार्वा है ना उसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं, जो कि जुवेनाइल J2 होता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये थर्ड स्टेज लार्वा है ना जो, वो जुवेनाइल J3 होता है। फिफ्थ स्टेज में फोर्थ स्टेज लार्वा जुवेनाइल J4 होता है, ठीक है। और सिक्स स्टेज में क्या होता है, सिक्स स्टेज में एडल्ट हो जाता है। तो अब ये जो डिफरेंट आपको स्टेजेस दिखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये जो 6 स्टेजेस है, हर स्टेजेस में ना मोल्टिंग होती रहती है, हर स्टेजेस में, ठीक है, एक सी दूसरे स्टेज में फॉर्म होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जहाँ पे एग जो है ना मतलब हर एक स्टेज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कुछ स्पीसीज होते हैं जिसमें जुवेनाइल स्टेजेस में ही सबसे ज्यादा जुवेनाइल स्टेजेस में प्लांट को जो लार्वा है ना तो ये अफेक्ट करता है प्लांट को। कुछ स्टेजेस कुछ ऐसे होते हैं स्पीसीज जहाँ पे एडल्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो अब हम आगे देखेंगे फर्दर इसके बारे में। तो जो पहला स्टेज है ना जुवेनाइल का, वहां पे क्या होता है, मोल्टिंग होती है, ठीक है। अब एग से एग क्या हो रहे, एकदम हैच हो गए, ठीक है, मतलब एग अभी टूट चुके हैं। तो अब एग टूट चुके हैं तो वो अब क्या होगा, वो वहां से अब हमें सेकेंड स्टेज मिलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल का, ठीक है, वहां से रिलीज होगा। और कहाँ पे जाएगा, वो सॉइल में रिलीज होगा। और यहाँ से इन्फेक्टिव जो स्टेज है ना वो फॉर्म होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना 6 स्टेजेस है, तो पहला ये जो फर्स्ट स्टेज है ये एग, तो ये जो एग स्टेज है तो यहाँ पे क्या होगा कि एग का हैचिंग हो जाएगा, हैच होगा, ये एग सॉइल में रहता है तो सॉइल में इसकी हैच हो जाएगा। और एग हैच होने के बाद ये फर्स्ट स्टेज लार्वा, जो कि वैसे सेकंड स्टेज है लेकिन इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा, लार्वा में क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है J1 जुवेनाइल J1, ठीक है, तो ये होगा। और वो रिलीज होने के बाद कहाँ जाएंगे, जुवेनाइल्स जो है वो सॉइल के अंदर जाएंगे। अब जो लार्वा या जुवेनाइल है ना ये मोल्टिंग होता है, ठीक है, ये मोल्टिंग होते हैं 3 बार ताकि ये डेवलप हो जाए एडल्ट में। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको 4 बार बताया है। तो
ना वेरी करता है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज मतलब जो है वो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है कि कौन सा जेनेरा है, कौन सी स्पीसीज है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है. तो जनरली जनरली ये तीन मोल्टिंग होती है, जो लार्वी ये जो नाइल है ना इसमें ये तीन मोल्टिंग कंसिस्ट करती है. तो पहले यहाँ से अब देखिए है ये चार स्टेजेस लेकिन कंसिस्ट करती है तीन मोल्टिंग को. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कंसिस्ट करती है. अब ये एग है, एग क्या हो गया, हैचिंग हो गया. एग का हैच होने के बाद ये फॉर्म हुआ जुवेनाइल स्टेज, J1 स्टेज. अब जो जुवेनाइल स्टेज है यहाँ से मोल्टिंग होगी तो ये होगा सेकेंड स्टेज, लार्वी जुवेनाइल बना देगी, है ना. तो ये क्या हुआ, एग मोल्टिंग हुआ, ठीक है. अब जो सेकेंड स्टेज लार्वा जुवेनाइल है यहाँ से मोल्टिंग हुआ तो ये थर्ड स्टेज लार्वा जुवेनाइल बनाया, यहाँ पे हुआ दूसरी बार मोल्टिंग हुआ. अब जो थर्ड स्टेज लार्वा जुवेनाइल है यहाँ से ये फोर्थ स्टेज को बनाएगा, ठीक है, फोर्थ स्टेज लार्वा जुवेनाइल को. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये तीन बार मोल्टिंग हुआ और तीन बार मोल्टिंग के बाद फिर ये एडल्ट बनाएगा, ठीक है, एडल्ट पे फॉर्म होगा, ये लास्ट मोल्टिंग होती है. तो ये मोल्टिंग्स जो होती है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने की जो मोल्टिंग जो प्रक्रिया होती है ना उसको हम बोलते हैं, उन प्रक्रिया में वो जो प्रक्रिया है वो वैरी करती है एक से दूसरे स्पीसीज में, ये वैरी करती है. अब जो फीमेल है, ठीक है, वो एग्स देती है, कहाँ देती है, वो सॉइल में देगी या तो प्लांट के टिश्यू में देगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फीमेल्स एग या तो वो सॉइल में देगी या तो वो प्लांट के टिश्यू में एग देगी, और या तो वो सिंगल एग देगी, सिंगल, ठीक है, एक ही एग देगी, या तो वो बहुत सारे मासेस में देगी, ठीक है, सिंगली देगी या तो मासेस में देगी. अब मासेस में दे रही है तो जैसे कि मासेस में जो होप्लोलैमस वगैरह हो गया है ना, डोरीलैमस वगैरह, तो ये सब ना ये बहुत ज्यादा मतलब मासेस वगैरह में ये ना ये देने लग जाते हैं, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है कि जो एग है ना वो हैच होता है, एग हैच होगा, एग हैच होने के बाद क्या होगा कि वो लार्वी में कंसिस्ट होगा, ठीक है, एग हैच होगा वो लार्वी में जाएगा. और लार्वी से क्या होता है, लार्वी एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो लार्वी है ना, लार्वी और एडल्ट वो ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के दिखने में होते हैं अपीयरेंस में, लेकिन अपीयरेंस में भले सिमिलर होते हैं लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स है ना वो इतने अच्छे से वेल डेवलप नहीं होते हैं जितने अच्छे से डेवलप एडल्ट जो है, एडल्ट निमाटोड उसके जो कैरेक्टर्स है उस जिस तरीके से वो डेवलप होते हैं इतने अच्छे से लार्वी के डेवलप नहीं होते, भले ही दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं, ठीक है. और जैसे कि एडल्ट है, एडल्ट में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे ना ये काफी अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, लेकिन जो लार्वी है ये लार्वी में इतनी अच्छी तरीके से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है. अब जो पहली मोल्टिंग है ना वो यूजुअली कब होती है, हैचिंग के बाद, है ना, हैचिंग के बाद होती है, मैंने आपको बताया. तो क्या होता है कि जब लार्वी है ना सेल के मतलब जो लार्वी है ये एग शेल के अंदर ही होती है, क्योंकि अब हैच हुआ, हैच के बाद फर्स्ट मोल्टिंग हुई है ना यूजुअली ऑफर होती है, फर्स्ट मोल्टिंग जो है ना वो यूजुअली ऑफर होती है बिफोर हैचिंग. वेल लार्वी इज विद इन द एग शेल, एग शेल में लार्वी होती है ना उसके पहले ही फर्स्ट मोल्टिंग ऑफर हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब लार्वी क्या होती है, अंडरगोज होती है सीरीज ऑफ फोर मोल्ट, मैंने आपको बताया था लार्वी हर मोल्ट में हर मतलब सीरीज में वो मोल्टिंग होने लग जाती है उसकी. और इस पीरियड ऑफ ग्रोथ जो ये पीरियड है ना ग्रोथ है बिटवीन मोल्ट और जो बिटवीन जो डिफरेंट डिफरेंट मोल्टिंग जो टाइम लेता है ना मोल्ट होने के लिए, ठीक है, मतलब एक जो निमेटोड है उसको उसको दूसरे फॉर्म में जाने के लिए दूसरे जुवेनाइल स्टेज में जाने के लिए एक टाइम लगता है, ठीक है, ग्रोथ लगता है, एक पीरियड ऑफ ग्रोथ लगता है बिटवीन मोल्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं उसको, ठीक है, उस स्टेज को हम जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं कि एक टाइम कंसिस्ट करता है ग्रोथ होने के लिए. अब जो पहला लार्वी स्टेज है ना
वो एंड होता है किससे, पहले मोल्ट से। तो पहला लार्वी स्टेज है वो एंड किससे होता है, पहला मोल्ट से। और जो दूसरा स्टेज है, ठीक है, जो दूसरा स्टेज है वो दूसरे मोल्ट से एंड होगा। पहला पहला जो लार्वा स्टेज है वो एंड होगा पहले मोल्ट से, और जो दूसरा लार्वा स्टेज है वो मोल्ट होगा दूसरे जो स्टेज से। ठीक अब इसमें हम देखेंगे, तो अब हम ना नेक्स्ट वन देखेंगे। तो ये है जो ये जुवनाइल है, ठीक है, ये जुवनाइल है, सेकंड स्टेज जुवनाइल है निमेटोड का, जो कि अभी ही तुरंत मतलब हैच हुआ है एग से। और ये देख सकते हो क्या एग है ना, एग से ये हैच हुआ है, ये है जुवनाइल है। तो ये जो जुवनाइल है इसमें क्या होता है कि जुवनाइल ना एक लाइफ साइकिल से दूसरे लाइफ साइकिल में मतलब ये इसकी मोल्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जुवनाइल आपको इसमें चार मोल्टिंग के थ्रू आपको चार अलग अलग स्टेजेस से ना जुवनाइल देखने के लिए मिलेंगे। और ये जुवनाइल जो है वो एडल्ट से मतलब दिखने में तो ये सेम लग रहा है ऐसे ही, निमेटोड जो एडल्ट होता है वो भी ऐसा ही होता है दिखने में, और सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट इसमें ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया इसमें, है ना। तो ये क्या होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह हो गया, तो ये क्या होता है, ये इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है जुवनाइल में, ठीक है, जितने अच्छी तरीके से एडल्ट में डेवलप होता है। क्योंकि एडल्ट क्या होती है, एडल्ट इसकी फाइनल स्टेज होती है। तो फाइनल स्टेज में, एडल्ट फाइनल स्टेज होती है, तो उसमें सब चीज अच्छी तरीके से वेल डेवलप होता है। और जुवनाइल क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है ना, तो जुवनाइल जो स्टेजेस होते हैं तो इनमें जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं ये इतनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट इन ऑर्गन्स का नहीं हुआ होता है। अब हम इनको देखेंगे कि एक एक स्टेजेस के बारे में अब हम देखेंगे कि हर एक जो स्टेजेस होता है तो किस तरीके से ये स्टेजेस मतलब किस तरीके से स्टेजेस आप दिखेंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है लाइफ साइकिल निमेटोड में, इसमें कंसिस्ट करता है कितना, 6 स्टेजेस, मैंने आपको बताया 6 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, एग का, ठीक है, एग का सबसे पहला स्टेज होता है। और एग के स्टेज में क्या होता है कि जो J1 है ना वो पहला स्टेज होता है एग में, ठीक है। पहला स्टेज कौन सा होता है, ये एग है। फिर एग के बाद एग हैचिंग वगैरह होने लग गई है, एग है, एग थोड़ा फॉर्मेशन होने लग गया इसमें, किसका फॉर्मेशन होने लग गया उसमें, जुवनाइल का, J1 जो स्टेज है ना इसका फॉर्मेशन होने लग गया। अब यहाँ पे J1 फर्स्ट स्टेज ये हो गया, फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्म हो गया इसमें एग के ही अंदर हो गया, एग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जुवनाइल J1 है ना वो एग के अंदर फॉर्म होता है, फर्स्ट स्टेज है जो एग के अंदर फॉर्म होता है। उसके बाद ये मोल्ट होता है, ठीक है, मोल्ट होता है, और इसी में एग के अंदर ही ये मोल्ट होता है। मोल्ट होने के बाद ये सेकेंड स्टेज में क्या होता है, मोल्टिंग, जो सेकेंड स्टेज है ना, सेकेंड स्टेज से वो एग से वो बाहर आती है मोल्टिंग, ठीक है, सेकेंड स्टेज से बाहर आती है। फिर ये होता है इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जो सेकेंड स्टेज होती है ना ये कैसी होती है, ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ये होती है इन्फेक्शियस स्टेज, जहाँ पे ये क्या करता है कि इन्फेक्शन कॉज करता है। किसे कॉज करता है इन्फेक्शन, प्लांट्स वगैरह को ना, तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर ये होती है सेकेंड स्टेज। अब क्या होगा सेकेंड स्टेज में, ये मोल्टिंग हो जाएगी सेकेंड स्टेज, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जो उसका जो क्यूटिकल लेयर है ये निकल रही है, अब ये मोल्टिंग हो रही है, ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, मोल्टिंग हो रही है। अब बारी आती है थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज में क्या आएगी, ठीक है, थर्ड स्टेज के बाद फिर देन थर्ड स्टेज में मोल्टिंग हुई, क्यूटिकल्स निकला और साइज इंक्रीज हुई, देन आ गया ये फोर्थ स्टेज में, है ना। फिर फोर्थ स्टेज में, फोर्थ स्टेज के बाद फिर से मोल्टिंग हुई फोर्थ स्टेज से, अब ये कहाँ चला गया, ये चला गया एडल्ट में, अब हो गया एडल्ट फॉर्म। तो एडल्ट में क्या होता है, ये फीमेल है और ये आपको मेल दिखेगा, मेल में ये बरसा प्रेजेंट है, फीमेल पे बरसा नहीं है प्रेजेंट, ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल थोड़ी सी लॉन्ग होती है मेल के कंपेयर में, मेल शॉर्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो फर्स्ट फोर जो स्टेजेस होते हैं ना, जो पहले 4 स्टेजेस, ये पहला 1 2 ठीक है 3 4,
ये जो पहले चार स्टेजेस होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये इमेच्योर स्टेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? इमेच्योर, यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं होती है इन स्टेजेस में। अब ये इमेच्योर स्टेजेस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन स्टेजेस को हम बोलते हैं जुवेनाइल। इमेच्योर स्टेजेस को हम जुवेनाइल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फीमेल है ना, ये जो फीमेल है तो ये फीमेल क्या करेगी, ये एग्स देगी, ठीक है। कहाँ देगी एग्स? सॉइल्स में देगी, या तो प्लांट जो टिश्यू के जो प्लांट्स वगैरह है ना, प्लांट के टिश्यूज है, वहां पे ये एग्स देगी, ठीक है। एग्स कैसे देगी? या तो सिंगली, ठीक है, सिंगल सिंगल एग्स देगी, या तो ग्रुप एकदम मास में, जो मास है ना एग मास, उसमें देगी, ठीक है, एग को मासेस में देगी बहुत सारा, ठीक है। देन इसके बाद ये जो एग्स है ना, फिर ये क्या होगा, ये हैच होगा इसी तरीके से। ये एग है, ठीक है, ये फीमेल ने एग दिया, एग हैच हुआ, हैच होने के बाद एग में फिर हैचिंग वगैरह प्रोसेस वगैरह चालू हो जाएगी, और फिर हैच होने के बाद ये क्या होगा, लार्वा हैच आउट हो जाएगा लार्वा में, है ना। देखो लार्वा में हैच आउट हो गया, अब लार्वा में हैच आउट हो गया जो कि ये जो एडल्ट, ये जो ये है जो हमारा जुवेनाइल स्टेज में ये है, तो जुवेनाइल जो है हमारा कैसा दिखता है, जुवेनाइल हमारे कैसे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल एडल्ट के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको जुवेनाइल से, तो एडल्ट के जैसा दिख रहा है, लेकिन दिखने में तो एडल्ट जैसा है, लेकिन ये क्या है, इमेच्योर है, ठीक है। और जो ये फर्स्ट, जो ये पहला मोल्ड होता है ना यहाँ पे, जो पहला मोल्ड फर्स्ट मोल्ड होता है, ये क्या होता है, ये एक्सेल के अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहला मोल्डिंग होती है वो एक्सेल के अंदर होती है, लेकिन दूसरी तीसरी और जो चौथी मोल्डिंग होती है ये बाहर होती है, ठीक है। दूसरी तीसरी चौथी जो होती है वो बाहर होती है। जो सेकेंड स्टेज ही है ना जुवेनाइल का, वो क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद क्या होता है, रप्चर होने के बाद सेकेंड स्टेज में ही रप्चर होने के बाद ये J2 जो है ना एग शेल से बाहर आ जाता है। और अगर हम बात करें ज़िपिनिमा की, ठीक है, ज़िपिनिमा इंडेक्स जो है ना, ज़िपिनिमा जो की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, जो लार्वी है ना वो कहाँ से, वो एग से ही मतलब लार्वी एग से ही इमर्ज आउट हो जाती है, पहले मोल्डिंग के पहले ही। मतलब कुछ कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जो कुछ कुछ ना ऐसे भी हम बहुत, लेकिन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम स्पीसीज ऐसे भी देखी गई है जिनमें क्या होता है कि जो लार्वी है ना, जो फर्स्ट मोल्डिंग है वो एक्सेल के अंदर नहीं हो रहा है, एक्सेल के बाहर हो रही है फर्स्ट मोल्डिंग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ज़िपिनिमा, जहाँ पे लार्वी है ना जो वो कहाँ पे हो रही है, वो एक्सेल के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है, वो एक्सेल के बाहर पे हो रही है। और जो एग है वो एक्सेल के बाहर पे हो रही है, और जो ये एग है ना, और मोस्टली सब में मोस्टली ये मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग एक्सेल के अंदर होती है और सेकेंड मोल्टिंग एक्सेल के बाहर होती है, लेकिन सिर्फ ज़िपिनिमा में जो फर्स्ट मोल्टिंग है वो भी एक्सेल के बाहर ही होती है, ठीक है। अब ये एग है, तो एग कैसा है, ये ओवल शेप का एग है, ठीक है, ओवल शेप का एग है। और जो एग है ना, इसमें तीन मेम्ब्रेन होती है, कवर्ड करती है इसको, एग को तीन मेम्ब्रेन, इसका जो एग है ना तो तीन मेम्ब्रेन कवर्ड करती है। एक्सटर्नल प्रोटीन लेयर होता है इसमें, जो सिक्रीशन होता है जो यूट्रस वॉल से, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मिडल काइटिन लेयर की होती है, या ट्रू शेल भी बोल सकते हैं इसे, तो कि सीक्रेट करती है जो एग्स है ना, वो खुद से ही अपने आप से ही उसे सीक्रेट करती है। और तीसरा जो होता है वो इनर लिक्विड होता है, इसके अंदर का लिक्विड जो है वो होता है, ठीक है, इनर लिक्विड होता है। और जो ये काइटिन है ना, तो काइटिन है वो क्या है, ये एग का शेल को फॉर्म करता है, और ये काइटिन ना वैरी करेगा जो डिफरेंट स्पीसीज है ना नेमाटोड की, डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज है नेमाटोड की, उसमें ये ना वैरी करेगा कि हर स्पीसीज में अलग अलग फॉर्मेशन में होगा, तो ये किस तरीके से वैरी करेगा, ठीक है।
देख पा रहे हो मेल और ये ये फीमेल और ये मेल एडल्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, फोर्थ मोल्ड के बाद क्या होता है, जो एडल्ट है ना वो फॉर्म हो जाएगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया ज़िफिनिमा में आपने देखा है ना, तो इसमें क्या होता है, जो एवरेज नंबर ऑफ एग होते हैं ना निमेटोड देता है 200 से 500, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ जो सेल है एग है, ठीक है, निमेटोड देगा, जो ये एग है ना, ये जो एग है, तो ये हर एक निमेटोड जो एग है वो 200 से 500 एग देगा, और 200 से 500 एग देगा, और प्लस इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल है ना वो 20 से 40 दिनों के अंतराल में खत्म हो जाती है, जो टोटल लाइफ साइकिल है, जो एग से आप एग से ये जुवेनाइल स्टेज हो गया, जुवेनाइल से ये मोल्टिंग का फर्स्ट स्टेज हुआ, फिर सेकंड स्टेज, फिर एडल्ट फॉर्म हुआ, फिर एडल्ट से क्या हुआ, जो सेकंड स्टेज है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज में मोल्टिंग हुआ, फिर फोर्थ स्टेज में इस तरीके से एडल्ट बना, तो एडल्ट के बाद फिर अगेन ये रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस होने के इसकी जो पूरी जो प्रोसेस होती है ना ये 20 से 40 दिन में खत्म हो जाती है इसकी लाइफ साइकिल। और एक जो ये अकेला ये सिंगल जो फीमेल है ना ये 200 से लेकर 500 तक ये क्या करेगी, ये एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये था पूरा निमेटोड की लाइफ साइकिल, कि किस तरीके से निमेटोड फॉर्म होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हर रिप्रोडक्शन के हर एक स्टेजेस। तो देन अभी थैंक यू सो मच।